प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना नर्व अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आप सभी को एक सच के साथ रूबरू कराना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स आप सभी जानते होंगे, बट मैं आज फिर से आप सभी को याद दिलाने की कोशिश करती हूँ। आप सभी जानते हैं दुख का जो मेन कारण होता है वो हमारी इच्छाएँ होती हैं। अगर हमारी सारी इच्छाएँ पूरी हो जाएँ तो हम एकदम यानी कि बिल्कुल खुश हो जाते हैं। बिकॉज जो हमने इच्छा की या कुछ सोचा वो हमारा पूरा हुआ तो हमें खुशी होती है। और फिर कौन भला ऐसा है जिसकी इच्छा पूरी हो, जिसकी मुराद पूरी हो, उसे खुशी नहीं हो। लेकिन जब हम पर थोड़ा सा भी कष्ट आ जाए या दुख मिल जाए तो हम परेशान हो उठते हैं। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? कभी हम हर मोड़ पर या हर कदम पर धोखा मिलता है या फिर दुख मिलते हैं हर कदम पर। मतलब कभी कभी ऐसा होता है हम सभी के साथ, इनफैक्ट हर टाइम ही होता है। और इस टाइम तो सभी के साथ ही होता रहता है, एक तरह से नॉर्मल लाइफ हो गई है कि हर कोई किसी को धोखा, झूठ बोलना, परेशान करना, ये सबके एक तरह से आदत बन चुकी है। फिर मैं यही सोचकर या फिर मैं कहूँ या हम फिर यही सोचकर मन को हल्का करते हैं कि कोई नहीं, पास्ट लाइफ का कर्मा है और हमने पूरा करना ही होगा। जो मिला है शायद इसके साथ हमारा कोई रास्ता रहा होगा या हमने इसके साथ कुछ गलत किया होगा, उसी का हमें परिणाम मिल रहा है। हमें सब कुछ पता होता है सिवाय इस बात के कि हमको ये सब क्यों मिला। यहाँ मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी जिससे शायद आपको कुछ समझ पाएँ या कुछ समझ में आए आपको। हम सभी के रिश्ते होते हैं, हमारे अपने होते हैं। अगर उनसे दुर्भाग्यवश दूर होना पड़ जाए या फिर कुछ रिश्ते हमारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चले जाएं तो कितनी तकलीफ़ होती है, ये बात आप सभी अच्छे से जानते होंगे। और कभी कभी ऐसा होता है जो रिश्ते हमारे अपने होते हैं अगर वो कुछ परेशानी में हों तो हम परेशान हो उठते हैं या हम परेशान हो जाते हैं। और फिर कभी कभी तो हम झगड़ा भी कर लेते हैं उन लोगों से जो हमारे अपनों को दुख देते हैं, तकलीफ़ देते हैं। बट कभी हमें इस बात का ख्याल ही नहीं आता कि जो हमारे शरीर पांच तत्वों से बना है और जो शरीर के साथ जो भी बंधन जुड़े हैं, जो भी हमारे रिश्ते बने हैं, उनके लिए हमारे दिल में प्यार, तड़प, बेचैनी सब कुछ होता है। लेकिन जो सोल है, उसका जो जन्मदाता है, हमारी रूह का जो रिश्ता उस परम शक्ति यानी परमात्मा के साथ है, उसके लिए कभी वो तड़प, वो बेचैनी पैदा ही नहीं होती है। अगर हम हमारे प्यार से, जिसे दिल से चाहते हैं, उससे बात नहीं हो, उसे देख नहीं पाए कुछ दिन, तो हम कितना उदास हो जाते हैं। इनफैक्ट हम हमारा सब कुछ, जो सुख चैन हमारे पास होता है, उसे भी भूल जाते हैं। लेकिन जिसने हमें बनाया है, जो जीवन का परम सत्य है, जिसे कभी झुठलाया नहीं जा सकता, लेकिन उसके लिए कभी वो बेचैनी फील ही नहीं होती है। वो दिल से वो दर्द नहीं उठता जैसे कि हम अपनों के लिए फील करते हैं। और जो हमारा स्वरूप है, जिससे हमारा जीवन हमको उससे मिला है, जो हमारी सोल उससे जुड़ी होती है, या फिर ये कहूँ उसी स्वरूप से निकल कर हम यहाँ 3D लाइफ में आए हुए होते हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया होता है यानी हमारी सोल को, लेकिन उससे वापस मिलने की वो तड़प हमारे अंदर पैदा ही नहीं होती है। और जो ना जाने कितने जन्मों जन्मों से बिछड़ी हुई है, लेकिन जो ये संसार है, यहाँ सब कुछ असत्य है, सिर्फ एक सपना है, उसके लिए हम रोते हैं, तड़पते हैं, बेचैन होते हैं, हर पल अपने आप को या यूनिवर्स को कोसते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया, या मैं दुर्भाग्य हूँ, मेरा जीवन में कोई, या मैं अभागा हूँ या अभागी हूँ, ऐसा क्यों सोचते हैं। दोस्तों, आपको ये एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आप सभी यानी हम सभी बहुत यूनिक हैं। हम सभी उस परम शक्ति की ही संतान हैं और हमें वापस उसी तक ही पहुँचना है। लेकिन जब तक हम ये बात या ये ज्ञान हमारे अंदर नहीं उतरेगा, ये समझ हमारे अंदर पैदा नहीं होगी, तब तक हम इसी दुनिया में भटकते रहेंगे और हमारे अंदर ये भटकन पैदा होती ही रहेगी। यानी कि जो ये दुख का जो कारण है, वो मेन कारण यही है कि हम अपने स्वरूप से यानी अपनी जो परम शक्ति, परमेश्वर है, परमात्मा है, उससे हम भूल चुके हैं। उसके लिए वो प्यार, वो तड़प, वो बेचैनी कभी हमने पैदा ही नहीं की अपने अंदर। वो जो रियलिटी में हमारे अपना है, उसे हम भूल चुके हैं। और उसी के वजह से हमें
ना जाने कितना कितना सब कुछ बर्दाश्त करना होता है। तो गाइस आप अपने आप से जुड़ो, बहुत भटक लिए और काफ़ी जन्मों से भटकते भी आ रहे हैं, लेकिन अब बंद करो भटकना, अब बंद करो, क्योंकि अब आप अपने आप को परमात्मा से जुड़ो, अपने और अब जो परमात्मा का जो स्वरूप है और आपका जो स्वरूप है उससे पहचानो कि तुम जो संसार में ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही बैठा है। जिस खुशी, जिस पीस की तुम्हें तलाश होती है दूसरों से, वो पीस तुम्हारे अंदर है, वो सुकून तुम्हारे अंदर है, वो आनंद तुम्हारे अंदर है, जिसे तुम बाहर दुनिया में ढूंढते हो। बस देर है तो अपने भीतर देखने की, देखो और जानो अपने आप को कि तुम एक नॉर्मल सोल नहीं हो, उस परम शक्ति का ही अंश हो। इस बात को जितना जल्दी तुम समझ पाओगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि इतना आज नहीं तो कल तुम ये बात रियलाइज़ करोगे, लेकिन तब वक्त निकल जाएगा, तब आप एक ऐसी एज में होंगे जब तुम उस परमात्मा तक पहुँचने के लिए चाहे मन में कितनी भी तड़प पैदा होगी, लेकिन वो सब तुम नहीं कर पाओगे जो तुम आज इस समय कर सकते हो। तो प्लीज़ गाइस इस गोल्डन टाइम को वेस्ट नहीं करो। मानती हूँ कि भौतिक दुनिया को नहीं छोड़ा जा सकता, 3D लाइफ में भी जीना होता है, सब कुछ आवश्यकताएं होती हैं, बट उनके साथ साथ वो प्यार, वो फीलिंग, वो दर्द यूनिवर्स के साथ भी रखो, उसके साथ भी रखो, क्योंकि वो ही तुम्हारा असली हकदार है, असली तुम्हारा रिश्ता है, असली तुम्हारा माँ है, असली तुम्हारा पिता है, असली भाई बहन, इनफैक्ट सारे रिश्ते उसी के साथ हैं। जो असली ज़िंदगी या असलियत जो है वही है, बाकी सब झूठ है। जितना तुम भटकोगे, भटकते रहो, वापस तुमको वहीं आना है जहाँ से तुम जाओगे, जहाँ से चलना शुरू करोगे वापस फिर वहीं आओगे, क्योंकि वो आना ही होगा। जब तक तुम अपने सच्चे स्वरूप को नहीं समझोगे, अपनी आत्मा को नहीं समझोगे, अपने उस आत्मा के क्रिएटर को नहीं समझोगे कि वो कौन है, किसने हमको यहाँ बनाया, तो तब तक तुम भटकते ही रहोगे। हर टाइम पर तुमको सिर्फ दर्द, तकलीफ़ यही फील होगा। और जो भाव आपके मन में ये पैदा होते हैं कि हमसे कोई रिश्ता ऐसा मिले कि जिसके साथ सोल के लेवल पर हो, ना कि फिजिकल लाइफ में, यानी कि फिजिकल बॉडी से कोई रिलेशन ना हो, और आपके ऐसे मन में भाव हैं, तो मैं आपसे यही कहती हूँ, प्लीज़ आप अपने आप को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करें, क्योंकि ऐसा प्यार, ऐसा कनेक्शन सिर्फ वही दे सकते हैं। ये 3D लाइफ में आपको कोई भी ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा कि आपको एक तरह से सोल लेवल पर प्यार कर पाए, उसको भी रिक्वायरमेंट होगी आपसे फिजिकल होने की या फिजिकल लाइफ में को जीने की, क्योंकि इच्छाएं सभी की होती है और इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। यही कारण होता है कि हम कभी भी लाइफ के अच्छे मार्ग पर नहीं चल पाते, क्योंकि हमारी इच्छाएं हमें हमेशा भटकाने का कार्य करती हैं, क्योंकि हम इच्छाओं पर अपना काबू नहीं रख पाते हैं या नहीं हो पाता है। तो गाइस मैं यही कहूँगी कि 3D लाइफ को जीते हुए, 3D लाइफ के हर चीज़ को, हर मोमेंट को इन्जॉय करते हुए, उस यूनिवर्स को भी याद रखो, उसके लिए भी प्यार पैदा करो, तड़प पैदा करो, फीलिंग पैदा करो, जिससे कि आप दोनों का जो बाउंड है, जो रिश्ता है, वो कभी ना टूटे, किसी भी परिस्थिति में ना टूटे, चाहे आपको परेशानी में हो या ना हो, बस एक्सेप्ट करो कि जो उसने दिया है बेस्ट दिया है और बेस्ट ही वो देगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके जो दुख है, जो परेशानी है, कब गायब हो जाएंगी, आपको वो जीना आ जाएगा जो जीना आप चाहते हैं। तो या गाइस ये थी आप लोगों के लिए मेरी तरफ से छोटी सी गाइडेंस, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा और आप कुछ तो समझ में आया होगा। मेरा यही एक पर्पस था कि आप सब तक मैं इस बात को पहुंचाऊं, ताकि ये बात आपके दिल को छुए, आपकी रूह को छुए, ताकि आप थोड़ा सा मेरे बातों पर ध्यान दें और अपने आप को जानने की कोशिश करें। दुनिया को बहुत जान लिया, अब थोड़ा सा अपने आप को जान लो। जब अपने आप को जान लोगे ऑटोमेटिकली सब जान जाओगे। तो या मैं चलती हूँ, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।